नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा है। हिंदू धर्म में इन दिनों का खास महत्व है। पितृपक्ष पर पितरों की मुक्ति के लिए कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितर नाराज हो जाएं तो घर की तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में पितरों को खुश करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। पितृपक्ष अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है। ये अमावस्या तिथि तक रहता है। इस बार पितृपक्ष मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होती हैं। व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। आइए दोस्तों जानते हैं कि पितृपक्ष क्या होता है और इन दिनों में कौन सी ऐसी दो सब्जियाँ हैं जो बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। तो हम आपको पितृपक्ष की जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि आप जिस पितर का श्राद्ध कर रहे हैं उसकी मृत्यु किस दिन हुई थी। इतना जरूर याद रखें कि मृत्यु जिस दिन हुई हो उसी तिथि पर ही श्राद्ध करना चाहिए। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ होता है उसी तिथि पर श्राद्ध कर लेते हैं, जो कि गलत है। पितृपक्ष में सभी तिथियों का अलग अलग महत्व है। जिस पितर की मृत्यु जिस तिथि पर होती है पितृपक्ष में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। अंतिम संस्कार वाली तिथि को श्राद्ध के लिए ग्रहण नहीं माना जाता। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को यह ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वयं वंजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृ लोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंड दान ग्रहण करके सर्व पितृ अमावस्या की रात्रि को चले जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंड दान श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्राद्ध में कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। यह 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कि कौन सी चीज है जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज है जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूल कर भी शामिल नहीं करना चाहिए वरना दोष लगता है। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों द्वारा ब्राह्मणों द्वारा आपने यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाए, वही भोजनों का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाए जो पितरों को पसंद था, तभी ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब भी भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉन वेज पसंद होता है, नॉन वेज लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं जिससे उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीजों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृ देव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करते हैं, उसके पश्चात यह पितरों को मिलता है। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और जब भी पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को
स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के नियमित जो भोजन बनाए या ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए जो भी भोजन बनाए वो बिना प्याज लहसुन और मीट अंडे का बनाए, और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भी भोजन बनाए बिना प्याज और बिना लहसुन तथा मीट अंडे का होना चाहिए। ये सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालनी चाहिए, घोर पाप लगता है, पितृ देव क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृ पक्ष के दौरान आप भी प्याज लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें, शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृ पक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृ पक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई जरूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पितृ पक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं, और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृ दोष लगेगा। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं और अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदें। इन दिनों में नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृ देव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृ दोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृ पक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल दाल रोटी ना बनाएं। पितरों के लिए सदैव भोजन जैसे कि पूड़ी कचौरी पराठे इत्यादि बनाए जाते हैं, हलवा पूरी बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितर हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष के दौरान आप स्वयं दाल चावल रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितृ को ये भोजन ना दे। लेकिन याद रहे, पितृ के लिए जो भोजन बनाए ब्राह्मणों को जो भोजन करवाएं वो पक्का ही बनाए, जैसे कि खीर पूरी मूंग दाल की कचौरी दही जलेबी, इन चीजों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृ पक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृ पक्ष के दौरान काले नमक काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान मूली लौकी खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीजों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, इसीलिए इस दौरान दूध दही या फिर सफेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफेद रंग की मिठाइयां बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप अपने घर में ही बना कर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। पितृ पक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आप पितृ पक्ष के दौरान दूध दही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृ पक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, पितृ पक्ष के दौरान कुल्थी की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृ पक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं उसमें आप तिल अवश्य ही डालें। पितृ पक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, ब्राह्मणों के लिए जो भी भोजन बनाएं या पंच बलि बनाएं,
या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दे, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत प्रेत ग्रहण करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आप इन बताए हुए प्रयासों को कर लेते हैं तो आपके पितर आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें यह काम, वरना रातों रात घर में कंगाली छा जाएगी। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिनों तक अश्वनी अमावस्या के दिन तक चलता है। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के नियमित पिंड दान तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वह प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितर कोए के रूप में धरती पर पधारते हैं। इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, भूमि भवन ना खरीदें। पितृपक्ष में भूमि भवन कदापि ना खरीदें। यदि आप पितृपक्ष में भूमि भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं उनसे आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसीलिए पितृपक्ष में नई वस्तुएं ना खरीदें। नंबर 2, बाल और नाखून ना काटें। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्तियों को पूरे 16 दिनों तक बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, साथ ही इस दौरान ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। नंबर 3, नया वस्त्र ना लें। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र कदापि ना खरीदें, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितर प्रसन्न होते हैं। अगर आप पितृपक्ष में नया वस्त्र खरीदते हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पड़ता है और पितर नाराज हो जाते हैं। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आ जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 5, प्याज लहसुन ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान पिंड दान तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं, इसके अलावा अगर संभव हो सके तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6, मांस ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। नंबर 7, कई चीजें शाकाहारी ऐसी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खाने की मनाही होती है, माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा जीरा और सरसों के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 8, पशु पक्षियों की सेवा करें। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 9, कोई मांगलिक कार्य या आयोजन ना करें। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। नंबर 10, किसी भी पक्षी को ना सताएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए इन दिनों गलती से भी किसी पक्षी को नहीं सताना चाहिए, ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं। नंबर 11, तामसिक चीजों से रहें दूर। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीजों के इस्तेमाल से आपके पितर नाराज हो सकते हैं। अब दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि पितृपक्ष के दौरान कौन से ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए, लेकिन दोस्तों ये जानना भी जरूरी है कि इन दिनों में हमें अपने इष्ट देव और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के जान लेते हैं। दोस्तों, इन 16 दिनों में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंड दान तर्पण कर्म आदि किए जाते हैं। तो अब ऐसे में एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा है कि पितृपक्ष के दिनों में, जो कि यह 16 दिन अपने पितृ देवताओं को समर्पित करते हैं,
तो ऐसे में क्या घर में अपनी पूजा स्थल पर देवी देवताओं की पूजा हमें नियमित इसी प्रकार करनी चाहिए जैसे कि हम करते आ रहे हैं। कई लोग रोजाना मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या उन्हें रोजाना मंदिर जाना चाहिए या जब भी मंदिर जो लोग पितृपक्ष के दौरान जाते हैं क्या वह मंदिर जाकर वहाँ पर भी पूजन कर सकते हैं? तो देखिए, यह एक जो सवाल है उसका जवाब इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मन में किसी भी प्रकार का संशय ना रहे, क्योंकि यह 16 दिन है तो पितरों को समर्पित, जिसमें कि हर इंसान हर व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अगर उपाय करता है उनके नियमित, तो पितर प्रसन्न होते हैं और पितर देवता जो प्रसन्न होते हैं तो जीवन में हर प्रकार की जो हमारे कष्ट हैं, दुख हैं, संकट हैं, उसको हर लेते हैं। हमारी आर्थिक उन्नति तरक्की हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, यह जानकारियाँ आपको इस वीडियो में प्राप्त हो रही हैं। दोस्तों, आज का यह सवाल दिया हुआ है कि क्या पितरों की पूजा के साथ देवताओं की पूजा हमें करनी चाहिए। दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा पितृ पक्ष में भी हमें नियमित रूप से करनी चाहिए। चाहे हम घर में यह पूजन करना चाह रहे हों जो हमने अपने घर में रखे हुए हैं, या हम मंदिर जाकर पूजन करना चाहते हैं देवी देवताओं का, देवी देवताओं की पूजा में कोई मनाही नहीं है, शास्त्रों में कोई रोक नहीं है। पितृ पक्ष में भी आप रोजाना जिस प्रकार से अपने घर की देवी देवताओं को स्नान करवाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, जिस भी विधि से आप रोजाना उनका पूजन करते हैं, आपको वह पूजन करना ही चाहिए। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। देखिए, ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि पितृ पक्ष में हम सिर्फ पितरों की पूजा करें। सर्वप्रथम देवी देवताओं की पूजा करके ही हम पितरों के नियमित जो कर्म करना चाहते हैं, श्राद्ध, पिंड दान, तर्पण, वह कर्म करने चाहिए। देखिए दोस्तों, देवी देवताओं की पूजा का शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो सुबह के समय अपनी पूजा कर लें। उसके बाद में पितरों के नियमित जो कर्म करते हैं उसे दोपहर के समय सबसे सर्वोत्तम माना गया है। 11:30 से 12:30 तक का यह जो समय होता है यह पितरों को समर्पित है, तो इस समय हम जो भी कर्म करना चाहते हैं अपने पितरों के लिए तो वह हमें बहुत ही कल्याणकारी होते हैं। तो आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि घर में आप देवी देवताओं का पूजन इन 16 दिनों में नहीं कर सकते। दूसरा यह जो सवाल है कि क्या मंदिर जाकर आप पूजन कर सकते हैं, पितृ पक्ष में मंदिर जाने की मनाही तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी भी मंदिर में जा करके आप जैसे पहले करते आए थे पूजन, पितृ पक्ष के दिनों में भी वैसे ही पूजन करते आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पितृ पक्ष के दिनों में ये दिन पितरों को नियमित है, लेकिन हमें देवी देवताओं को पूजन रोकना नहीं चाहिए, हमें साथ में ही करना चाहिए। हालांकि साथ में पूजा करने का मतलब है दोनों का समय अलग अलग है, लेकिन इन दिनों में जैसे कि 16 दिन जो पितरों के होते हैं इनमें हम देवी देवताओं का भी पूजन कर सकते हैं। शकुन शास्त्र में कोए से जुड़ी अनेक रोचक जानकारियों का वर्णन मिलता है। इस वीडियो में हम आपको कोए से संबंधित शगुन अपशगुन से जुड़ी कुछ बातों की जानकारी देते हैं। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण कर्म किए जाते हैं। इन श्राद्ध कर्म से खुश होकर पितर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि देते हैं। आप पर पितरों की कृपा हो रही है या नहीं, इसके संकेत भी पितर पक्ष के दौरान दिख जाते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है, सुख समृद्धि और वैभव आने वाला है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में जो पितृ पक्ष के दौरान दिखने पर शुभ संकेत हैं। दोस्तों, पितृ पक्ष के दौरान अगर कोआ दे जाए मनुष्य को यह एक संकेत, तो समझो आपके पूर्वज आपसे बहुत प्रसन्न हैं। कुछ खास लोगों को ही कोआ दिखता है। शुभ संकेत यह है कि कभी किसी को मत बताना। दोस्तों, शास्त्रों द्वारा बताए गए कुछ संकेतों के बारे में बताते हैं। कोआ एक ऐसा प्राणी है जिसे अच्छे या बुरे की जानकारी उसे घटने के पूर्व हो जाती है। कोए को कई दिव्य शक्तियां प्राप्त है। वह पहले ही जान लेता है कि मनुष्य के साथ क्या क्या हानियां होने वाली हैं। हमारे समाज में चिरकाल से कोए को लेकर शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, नंबर एक, यात्रा के समय अगर आपको कोआ बर्तन में मुंह दबाकर पानी पीते हुए दिखाई देता है तो यह धन लाभ का संकेत है, आपकी यात्रा अवश्य सफल होगी। दोस्तों, नंबर दो, मार्ग में अगर आपको कोआ मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए हुए दिखाई देता है तो यह आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने का संकेत है।
दोस्तों नंबर 3, प्रातःकाल में कुआ आकर आपके पांव से स्पर्श करके यदि जाता है तो यह आपकी उन्नति और धन प्राप्ति का संकेत है। नंबर 4, ऐसी मान्यता है अगर कुआ भूमि को होता हुआ नजर आए तो भारी लाभ होता है। नंबर 5, रास्ते में जाते समय यदि पेड़ की डाली पर कुआ बैठा दिखाई दे तो मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 6, सूर्योदय के समय आपके घर के सामने या घर की छत पर तो कौवा बोलता हुआ दिखाई देता है तो यह आपकी प्रतिष्ठा तथा धन में वृद्धि का सूचक है, लेकिन शाम के समय कौवे का छत पर आना या बोलना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों नंबर 7, अगर आपको कौवा अपनी चोंच में किसी वस्त्र का टुकड़ा लेकर उड़ता हुआ दिखाई पड़े तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। नंबर 8, यात्रा पर जाते समय कौवा यदि मधुर वाणी बोलता है आपकी दाहिनी तरफ से निकल जाए और उसी तरह उड़ता हुआ चला जाता है तो आपका कोई कठिन कार्य आश्चर्यजनक सफल होगा। दोस्तों नंबर 9, ठीक दोपहर के पहले अगर पूर्व या उत्तर दिशा से पेड़ पर बैठे हुए कौवे का स्वर सुनाई दे जाए तो इसे स्त्री सुख का संकेत माना जाता है। नंबर 10, अगर स्त्री के सर पर पानी का घड़ा रखा हो और उस पर कौवा आकर बैठ जाए तो यह उस स्त्री के लिए शुभ संकेत है, इसे धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। नंबर 11, अगर कौवा मुंह में रेत, अनाज, गीली मिट्टी या फल फूल भरकर ले आए आपके घर तक ले आए तो यह अचानक होने वाली धन प्राप्ति का संकेत है, आपको कोई लॉटरी भी निकल सकती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके पूर्वज यानी पितर बहुत प्रसन्न है। नंबर 12, वैशाख के महीने में जब कौवा किसी हरे भरे वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाता है तो इसे वर्षा के आने का संकेत मिलता है। नंबर 13, रास्ते में आपको अगर कौवा एक दूसरे के मुंह में परस्पर भोजन देते हुए दिखाई दे तो बड़ा ही शुभ संकेत है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।